कैसे हैं आप? आशा करती हूँ अच्छे होंगे और अपनी बढ़िया में लगे होंगे। देखिए, हमें गर्मी में देखिए ग्रो करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, क्योंकि तपश इतनी ज़्यादा होती है। देखिए, सारे कहीं ऐन सूखा पड़ा है और कुछ सब्जियां ही हैं जो ऐसे मौसम में सर्वाइव कर पाती हैं, तो उसमें से एक है चोला फली। देखिए, ये चोला फली है जो मैंने अभी 7-8 दिन पहले ही ग्रो की थी, और देखिए कितनी अच्छी निकलनी शुरू हो गई है। तो ये जो है, मैं किस्तों में इसको ग्रो करती हूँ। ये गर्मी की फसल है, और जब मैंने इसको ग्रो किया था, मैंने इसकी वीडियो भी डाली थी। तो ये सेम जैसे राजमा होते हैं उसकी तरह ही सीड्स होते हैं, छोटी छोटे, उससे बहुत छोटे साइज में होते हैं। तो मैंने ये ग्रो किए। ये चोला फली जो है, ये बहुत ही गर्मी में अच्छी सब्जी होती है और बहुत ही अच्छे ढंग से ग्रो हो जाती है। ऐसे ही देखो, एक और क्यारी में यहाँ पर मैंने चोला फली ग्रो की हुई है। देखिए, मैंने 3-4 जगह पर ग्रो की हुई है और 3-4 शिफ्टों में ग्रो की है, ताकि हमें एक से जब मिलनी ख़त्म हो जाएगी तो दूसरी से हमें चोला फली पूरी गर्मी मिलती रहेगी। और इसके बाद फिर मैं 8-10 दिन के बाद और एक क्यारी में ग्रो करूँगी। इससे पहले मैंने, देखिए, ये ग्रो की थी मैंने, सबसे पहले मैंने जहाँ पर ग्रो की थी, देखिए कितनी अच्छी अच्छी, ये देख सकते हैं आप इसकी, ये देखिए कितनी अच्छी निकलनी शुरू हो गई है, और देखिए इसमें फलियाँ भी निकलनी शुरू हो गई हैं। ये देख सकते हैं कितनी अच्छी फलियाँ, पतली पतली कच्ची कच्ची फलियाँ हैं, जो कि खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होती हैं। अभी ये 2-3 दिन में हार्वेस्ट करने के जो क्या हो जाएंगी। देखिए, ये वाले जो है, मैंने ये अभी फर्स्ट लॉट में ग्रो किए थे। तो चोला फली का एक पैकेट लाकर आप इसको 3-4 बार ग्रो कर सकते हैं, और देखिए कितनी अच्छी ग्रो हो रहे हैं ये। और ये गर्मी की बहुत ही अच्छी सब्ज़ी होती है, इसको पानी की भी ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती। तो ये तपश में भी इतनी जो गर्मी पड़ रही है, अब हमें पता है कितनी ज़्यादा गर्मी पड़ रही है, और जून में, अभी मई में इससे भी ज़्यादा गर्मी पड़ेगी, तो उसमें भी ये सर्वाइव करेंगी। तो हमें जो है गर्मी की सब्जियों को अपने पानी की रिक्वायरमेंट के हिसाब से कि हम इसको कितना पानी दे सकते हैं और इसकी कितनी देखभाल कर सकते हैं के अकॉर्डिंग ही ग्रो करना चाहिए, नहीं तो हमें निराशा होगी। जब वो हमें कुछ देंगे नहीं तो हम निराश हो जाएंगे, क्योंकि हमारी मेहनत का हमें फल नहीं मिलेगा। अब देखिए इसमें कितने फूल निकल रहे हैं, और यहाँ पर देखिए तितलियाँ भी घूम रही हैं, पॉलिनेटर आ रहे हैं, और ये अच्छी फसल ग्रो होगी मेरी। कुछ दिन में ही इसकी हार्वेस्टिंग करूँगी, तो मैं आपको दिखाऊँगी कि कितनी अच्छी ग्रो हुई हैं। इसके साथ ही थोड़ी सी मैंने एक और साइड पर भी ग्रो की है, तो मैं इसको 15-15 दिन के बाद इसको ग्रो करती रहती हूँ। ये देखिए, यहाँ पर भी मैंने इसको ग्रो किया हुआ है, यहाँ पर भी ये निकल रही है। सो ये तो बहुत ही अच्छी सब्जी होती है, इसको ज़रूर ग्रो करें आप, और बहुत आसानी से ग्रो हो सकती है। जो आप बिगनर हैं, जिसने कभी सब्जी ग्रो भी नहीं की है, वो भी इसको बहुत आसानी से ग्रो कर सकता है। तो जो आप ग्रो कर सकते हैं वो तो ग्रो करें। ये देखिए, मेरे इस पर तितली बैठी थी नींबू के पेड़ पर, देखिए तो कितना अच्छा लगता है जब हम इनके साथ खेलते हैं, इनके साथ एंजॉय करते हैं अपनी गार्डनिंग को, और इन के साथ, पंछियों के साथ, और ये पॉलिनेटरों के साथ, तो बहुत अच्छा लगता है। सो थैंक यू फ्रेंड्स, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और छोटी छोटी वीडियो देखकर आप छोटे छोटे क्यारियों में, गमलों में इनको ग्रो करते रहें। ये मैंने गमले में भी ग्रो की हुई है। थैंक यू फ्रेंड्स, हैव ए नाइस डे।